बीते दिनों मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि नारायणपुर में एक ऐसा परिवार आया है जिन परिवार के दो युवकों को माओवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। आरोप लगाया कि वो पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करते हैं और स्थिति ये थी कि उनमें से ये दो बच्चे जो हैं वो माओवादियों के स्कूल में ही कभी पढ़ाई किया करते थे। उसमें एक जानकारी और मिली थी कि उसी परिवार का एक सदस्य जो कभी लंबे समय तक माओवादी संगठन में सक्रिय था लेकिन उसने गढ़चिरौली में समर्पण कर दिया था। समर्पण करने के बाद अब वो मुख्य धारा में लौट आया है। ये पूरी कहानी आप अगर दो तीन दिन पुराने वीडियोस में खंगालेंगे तो आपको ये कहानी मिल जाएगी। इस कहानी को एक बार फिर से और एक कुछ नए किरदारों के साथ आपको बताना चाहता हूँ, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल उस वक्त मैंने एक परिवार की कहानी बताई थी, उस कहानी को देखने के बाद वो जो शख्स जिन्होंने लंबा समय माओवादी संगठन में बिताया था जो गढ़चिरौली में अब समर्पण करके मुख्य धारा में लौट आए हैं, उन्होंने मुझे गढ़चिरौली से फ़ोन किया और कहा कि वो बस्तर टॉकीज़ में अपनी पीड़ा रखना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ में रखना चाहते हैं। तो उनके इस आग्रह को मैं मना नहीं कर पाया और मैं और हमारे साथी रौनक भाई हम दोनों लोग फिर से हम नारायणपुर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ जब पहुँचे तो देखा हमने कि एक सरकारी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं वो सारे नक्सल पीड़ित हैं। ये सरकारी भवन बनाया गया है जहाँ पर ऐसे लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अभी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे, दिखा दो रौनक, कि बिल्डिंग किस टाइप से बनाई गई है। तो उसमें ये बताया गया कि यहाँ पर जितने भी नक्सलियों से पीड़ित लोग हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है, खाने की व्यवस्था की जाती है। वो जो शख्स जो मुझे गढ़चिरौली से फ़ोन किए उनका नाम सुकन पद्दा है। ये पहले ये भी माओवादी थे, 8 लाख का इन पर इनाम था और AK-47 लेके जंगलों में चलते थे। इनकी भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ये गढ़चिरौली से आए हैं और ये चाहते हैं कि मैं बस्तर टॉकीज़ में इनकी बात रखूं। अब बस्तर टॉकीज़ का तो उद्देश्य है कि ऐसे सभी लोग जो पीड़ित हैं, जो दुख में हैं, उनकी बात रखें। और इसके साथ आज आप देखें कि उस दिन की अपेक्षा आज भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो भीड़ इसलिए ज़्यादा है कि माओवादियों ने और भी लोगों को गांव से बाहर बेदखल कर दिया है, जिसमें सुकन पद्दा के चाचा हैं और सुकन पद्दा की दामाद हैं जो कि उनकी बहन से शादी की हैं और ये उनका परिवार है, इन्हें भी गांव से भगा दिया गया है। सबसे बातचीत करेंगे और क्या स्थिति है, क्या कहानी है, उनके छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ और सभी लोग यहाँ पर हैं। ये कमरा दिया गया है जहाँ सभी लोग यहाँ पर अभी रात बिता रहे हैं। पुलिस ने मदद के तौर पर इन्हें राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। नारायणपुर के जो TI हैं, कोतवाली TI, पहले दिन उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, दिनेश चंद्रा जी, तो उन्होंने इन सभी के लिए राशन की व्यवस्था भी की थी। और इसमें हमारे एक मित्र हैं सचिन जैन, उन्होंने भी इनके लिए राशन की व्यवस्था की थी। तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ हैं, तो अब इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये अपनी क्या बात रखना चाहते हैं। सुकन भाई, आपका सबसे पहले तो आप इधर आ जाएं। रौनक भाई, आप इधर आ जाएं तो परिवार भी फ्रेम में दिखता रहेगा। ये बताएं कि आप संगठन में थे बहुत लंबे समय से, समर्पण कर दिए, अब आप क्या जानकारी मिली आपको और आप क्या बात रखना चाहते हैं? पहले बस्तर टॉकीज़ के दर्शकों का पहले मेरा नमस्कार, जय सेवा। और मेरा जो परिवार वालों का जो मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं गढ़चिरौली पे मैं सरेंडर किया हूँ, वहाँ मैं सरेंडर होने के बाद, क्योंकि पहले से मुझे पता था कि मैं सरेंडर होने के बाद फिर घर वालों का अगर मेरा कांटेक्ट में लाऊँगा तो मेरा वजह से घर वालों को परेशान हो जाएगा करके मैं आज तक मैंने घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया था। कांटेक्ट क्योंकि ये कैसे भी करके मैं कांटेक्ट में अगर वो जाऊँगा तो इन लोगों को कैसे करके भी किसी को मारेंगे करके मेरा सोच पहली था। मतलब तुमको संदेह था? सकता। बाद में और मेरा छोटा भाई भी संगठन में आया था, वो संगठन आने के बाद कम से कम 1 या 1.5 साल वो संगठन में काम किया, बाद में वो भी संगठन को छोड़ के घर में आया था। घर आने के बाद उनके ऊपर भी थोड़ा संगठन के लोग भी उनको डाउट करने लगे, क्योंकि ये इससे भी सुकन से मिलता है, ये इधर उधर घूमता है, या कोयली बड़ा जाता है, तो वे कैसे भी
सुकांत को मिलता है, उनसे पैसा लाता है करके उनके ऊपर बहुत डाउट किए हैं। वो डाउट उसको बात छोटे भाई का धनीपद है। अच्छा, अभी वो कांकेर में सरेंडर किया है, अभी फिलहाल वो DRG के रूप में क्या वो कभी काम कर रहे हैं। तो उनको शक आया कि कैसे भी करके मुझे मार डालेंगे करके बाद में इधर उधर करके मेरा वो फ़ोन नंबर लिया। फ़ोन नंबर लेने के बाद मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं उसको आने के लिए मैं बोला ठीक है आप आने से आपको मैं गढ़चिरौली पे आपको भी सरेंडर कराऊंगा करके मैंने सोचा। उसको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद वो पाकंजूर तक आया। पाकंजूर आने के बाद वो उसका जीजा तो उसके घर पे गया, तो उनके जीजा ने उसको फिर वहाँ से उनके जीजा तो तुम्हारे भी जीजा होंगे? नहीं, मेरा वो दामाजी तो? दामाजी लगता है वो। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा दामाजी। उनको फिर वहाँ से रुकवाए, रुकवाने के बाद फिर उसको कांकेर में लेके वहाँ सरेंडर किए हैं। तो वहाँ गढ़चिरौली पे आप नहीं पाए हो, वहाँ से फिर वो वहाँ पे वो रह रहे हैं। वहाँ से आज तक वो भी घर वालों को कांटेक्ट भी नहीं किया था। बिना कांटेक्ट किए तो मतलब नक्श मतलब संगठन के लोगों को शक आया कि ये अपने गांव परिवार वाले कोयली बेड़ा बाजार आना, यहाँ से फिर सामान लेके जाना, नहीं तो कभी कामतेड़ा बाजार आना, फिर कैसे भी इनका जिंदगी बिना बाजार से ज़िंदगी नहीं हो पाता है, क्योंकि बाज़ार जाना पड़ता है। बाज़ार तो कहाँ जाएंगे, पुलिस कैंप के पास जाना पड़ता है, थाना के पास जाना पड़ता है। पहले से कोई अपना पुलिस वाले मित्र भी लोग हैं, मतलब दोस्त लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करने से भी शक होता है कि ये उनके साथ ये बातचीत करता है, तो ये मुखबिर के आरोप में ऐसे करता है करके थोड़ा शक आया होगा। शक आने के बाद फिर अपने परिवार वालों को दो लोगों को मार दिए संगठन के लोग। क्या नाम था जिसको? ओ मेरा जो बड़े बाप का बेटा केकड़ी पद्धा करके था, उनका शादी भी हो गया और बच्चे भी है उनका, और एक सैनू पद्धा है, उनका शादी भी नहीं हुआ था। और जो सैनू पद्धा है नक्सलियों के स्कूल में पढ़ा है बताते हैं, रेनू और सैनू ना? हाँ, वो दोनों भी पढ़े थे नक्सलियों संगठन के स्कूल में पढ़े थे, मतलब जनता ने सरकार स्कूल पे पढ़े थे वो, और कम से कम दूसरी तीसरी तक पढ़े होंगे, मुझे भी उतना उसको फिर भी मार दिया, उसको फिर भी मार दिए, ये मुझे बहुत दुख की बात है। अच्छा सुकन, आपके पिताजी भी जनताना अध्यक्ष थे बता रहे हो? हाँ, पहले 2005 में जो अपना RPC सरकार बन गई, तो 2005 से कम से कम 8-9 तक जनता सरकार के रूप में, 2010 तक जनता सरकार के रूप में काम किया। ये अपना मेरा पिताजी था तब, ये इनका मेहनत से वहाँ के गाँव बच्चों को या पढ़ाई वगैरह होना करके मतलब संगठन के ऊपर ये प्रस्ताव रखे हैं, उसी सबसे वहाँ एक उनके द्वारा से एक स्कूल भी आश्रमशाला करके एक पाठशाला भी संगठन के लोग खुलाई है। अच्छा, मतलब आपके पिताजी संगठन में थे, क्या पद में थे? संगठन में नहीं था, मतलब गांव से जाना आना करते थे, मतलब गांव वाला। हाँ, गांव वाला सपोर्ट। तो इनके प्रस्ताव में ही वहाँ जनता ने स्कूल खुला? हाँ खुला। कौन सा गांव में? ये पहले कुमुड़गुंडा करके थी। अच्छा। वहाँ पे 2008 पे फिर पुलिस वाले ने हमला भी किए उस स्कूल को। अच्छा, तब भी और तत्काल फिर वहाँ से उसको हटा लिए थे। तो उसके बाद फिर वो आपके दोनों भाई वहाँ पढ़े भी हैं? हाँ पढ़े भी हैं। उसके बाद उनको मार दिए? हाँ मार दिए। और वो ये पहले वो भी पढ़ी थी ये? अच्छा, वो भी पढ़ी? हाँ पढ़ी, वो उसी स्कूल पे पढ़ी थी। अच्छा। तब वो हमारे उसके गुरुजी मैनी थी, मैनी ये रेनू के भी? हाँ मैनी, और वो एक आसमानी करके थी, अभी वो भी सरेंडर किए है, दोनों सरेंडर किए है, और तब की बात है। तो सुकन ये बताओ कि अभी आपको क्या तकलीफ है, मतलब मार दिए? आप बता रहे थे कि जन अदालत भी नहीं लगाए, ऐसी आरोप लगा के मार दिए, पूछे ताछे नहीं, आप तो नक्सली ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे, मतलब ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? मुझे लगता है ये गलत है, संगठन के लोग ऐसे किया, ये मुझे तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि हर जगह पर जन अदालत लगाना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों का राय क्या है और बाकी घर वालों का राय क्या है, ये विषय लेके और उनका जो कमेटी के हिसाब से फिर वो डिस्कस करके फिर उनका क्या राय है, अपना परिवार वाले के ऊपर भी रखना चाहिए था, और आसपास गांव वालों
के ऊपर भी रखना चाहिए उनका राय, लेकिन बिना जनादलत लगा के इनको मारना ये गलत बात है, संगठन के लिए बहुत गलत है। अगर ऐसे करेंगे तो भविष्य के लिए उनके मतलब पार्टी के लिए, संगठन के लिए ये उनके लिए बहुत मतलब लोगों का जो है सपोर्टिंग नहीं हो पाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जनालत तो कर सकते हैं, नज़दीक कैंप नहीं, कुछ नहीं, इनको मार दिया, लेकिन घर वालों को पता भी नहीं है, उन्हें लोग जाके बता दिया कि उनको अभी मार दिया है, वो मतलब डेड बॉडी ला के वहाँ पर मुर्सुला पे जाना करके उन्हीं लोग बताया, तब बाकी संगठन वाले तो मेरे पिताजी ने क्या किया, अरे हमारे लड़के लोग कहाँ गया करके ढूंढ के एक वर्कुड़ गांव है, पहली का हमारा गांव है, वहाँ पे गया तो बाकी लोग पूरे इकट्ठा होके इनके हमारे मतलब मुर्सुल नापे में जा रहे थे। ये पूछा कि क्यों आप लोग जा रहे हैं मुर्सुल नापे पे, नहीं आप लोगों का जो दो लोगों को ऐसे ऐसे हो गए इस कारण से मार दिया करके, बाकी लोग भी वो डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तब तो पता चला कि इसको मार दिया करके। हाँ बाकी वहाँ पे उसको फिर दफन किया, बाकी लोग बोल रहे थे कि इसको जलाना करके, हम पहले से क्यों जलाएंगे, हम पहले से जो गड्ढा खोदते गड्ढा में ऐसे हम दफन देते ऐसे करेंगे करके बोल रहे थे। फिर बाद में क्या किया, उसको दफन दिए, बाकी लोग बिना रोके चले गया। ये सभी ये संगठन के कारण से वहाँ पे जाना नहीं है, मतलब दफन दे के आप लोग वहाँ रुकना नहीं, सब कुछ ये बता के संगठन वाले भेज दिए, ऐसे किए संगठन वाले। तो ये जब आप पार्टी में थे तो आप लोग ऐसे करते थे कि जन अदालत लगाते थे आप लोग? सर हमने तो ऐसे कभी नहीं किए थे, अगर वो नज़दीक कैंप होगा तो मतलब उसके पर्चा वगैरह फेंकते, उसका गलती कितना है, या पुलिस पर्चा में चेतावनी देंगे पहले? हाँ पर्चा में पहले कैसे भी पर्चा में उसका जो क्या है और कितना बार वो मतलब संगठन को कितना बार नुकसान किया है और लोगों को कितना बार नुकसान किया है, किसको मर्डर किया है या एनकाउंटर किए है या किसी पार्टी के साथ या साठगाठ है या ठेकेदार के साथ, ये सब कुछ उसका विषय देखना पड़ता था। देखने के बाद हमने जो उसके हिसाब से या उसको चेतावनी देना या उसको फिर मानना है, ये निर्णय लेते थे हम। उसका निर्णय लेते समय भी उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी के हिसाब से तौर से लेना पड़ता था। अच्छा, और मेजॉरिटी किधर जाता? हाँ मेजॉरिटी, उसका कुछ लोग बोलते कि इसको मारना है, कुछ लोग बोलते कि इसको रखना है, लेकिन उसका भविष्य पार्टी का इतना अभी जो कितना साल हो पार्टी का योगदान, पार्टी के योगदान उन्हें कितना दिया है वो भी देखना पड़ता था। इस हिसाब से हमने उसको उसको सजा देना है या उसको बचाना है ये सब कुछ देना पड़ता था। ये इस मुझे लगता है ये हमारे भाई लोगों को वैसे संगठन के लोग ऐसे नहीं किया है, ये इसलिए मैं संगठन लोगों को उन लोगों को फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी बाकी भी अभी परिवार वाले भी है, बाकी जो मेरा बड़े बाप का बेटा भी वो भी गांव में अभी रह रहे, बाकी लोगों को ऐसे मत करना है, क्योंकि उसको ऐसे करेंगे तो संगठन के लोग आगे भविष्य के लिए वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, और इस परिस्थिति में वो ये प्रस्ताव ऐसे नहीं करना चाहिए था संगठन के लोगों, और बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उनके लिए। क्या लग रहा है कि आपके जो दोनों भाई को मारे, आपके यहाँ परिवार से टोटल कितने लोग को मारे हैं? अभी तक हमारे परिवार वालों को चार लोगों को मारे हैं, चार लोगों को, एक मेरे चाचा है, ये चाचा इनके बेटे को और दो लोगों को मारे है। अच्छा, और दो भाई, हाँ वो भी मेरा भाई है, दो भी चाचा के लड़के, हाँ चाचा के लड़के को जगदीश पद्धा करके था। अच्छा, और मेरा परिवार मेरा घर पे किसी दिन कांड किए, उसी दिन यहाँ पे जाके भी कांड किए, एक मतलब एक ही दिन में तीन थाना में रिपोर्ट लिखा है इसका। हाँ यह आने के बाद थाना पे मतलब ये सोनपुर थाना पे इन लोग जाके रिपोर्ट वगैरह लिखवाए है, गांव से भगाने के बाद, पहले नहीं लिखा, नहीं लिखा है। अच्छा, पहले बाद में वो करने के बाद इधर उधर निकलना करके पूरा प्रतिबंध लगाए, मतलब मेरे आओ नज़दीक गांव में भी जाने के लिए नहीं देते थे, घर से निकलने के लिए भी नहीं देते थे, कोई वहाँ देखते रहता रहा क्या? संतरी लगा के संतरी वगैरह नहीं रखते सर, और उनके जो सुबह जो उनके मतलब संगठन को सपोर्ट करने वाले लोग आते थे, देखते थे आज किधर गए कि नहीं ये करके सब कुछ देखने के लिए आते थे, ऐसा करते थे। हमने भी जो मैं भी संगठन में कम से कम 11-12 साल मेरा भी योगदान है क्रांति के लिए, और मेरे पिताजी का भी योगदान है, बाकी ये इसका भी ये भी कम से कम 3 साल संगठन में थी। अच्छा, वो भी तो सर सरेंडर हुई है इन लोग? हाँ अभी ये भी
ये भी बहन लगता है, ये मेरे बड़े बाप का बेटी है, इसका भी योगदान है। ये सब संगठन सब सरेंडर किए कि नहीं किए? अभी सरेंडर तो या ये तो सरेंडर करेंगे अभी। अच्छा, अभी बाल बच्चा है, उसको सरेंडर करने से भी क्या है। और अभी मेरा नहीं जाते पार्टी में? अभी नहीं जाते, क्योंकि अभी तो इनको विस्थापित पूरा वहाँ से भगा दिया। जब भगाए नहीं थे उसके पहले पार्टी के लिए काम करते थे? पार्टी के लिए काम करते थे और दिन रात भी वो उनका सामान सप्लाई करना, सब कुछ करना है, तो पूरा दिन रात पार्टी के लिए, मतलब संगठन के लिए बहुत काम किए है। और ये भी पहले संगठन में था, ये सभी लोग संगठन में थे। ये बुद्धूराम भी संगठन में था, वो भी जेल जा चुके हैं, जो क्रांति के लिए जेल जा चुके हैं। मेरा पिताजी भी जेल जा चुके हैं, ये तो 6 महीना रहे हैं जेल पे। लेकिन ये उतना मेहनत हमारा भी कम से कम, ये मेरा तो कम से 11 साल का क्रांति के योगदान है, तो हम क्रांति छोड़ के आए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा तो उसमें ज़िंदगी तो है क्रांति के लिए। इतना ज़िंदगी हमारा जो संगठन में, संगठन के लोग हमारा जो मेहनत को भी नहीं सोचे हैं संगठन लोग, ऐसे करना ये गलत बात है। अभी क्या चाहते हो आप? अभी मैं चाहता हूँ कि अभी इन लोग अभी भगा दिए हैं, अभी मैं फिर गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, नक्सल पीड़ित लोगों को कितना जो गवर्नमेंट का जो कितना फ़ायदा है, लाभ है, जो उसको मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, मुझे भरपूर विश्वास है कि गवर्नमेंट से वो कैसे भी करके अपना परिवार को, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उसको जो स्कूल वगैरह उसको मिलेंगे, और बाकी लोगों को, और 3 परिवार से किसी को ना किसी एक को, 3 परिवार से 3 लोगों को किसी ना किसी को एक नौकरी मिलना चाहिए, छोटा मोटा नौकरी मिलना चाहिए। उसी हिसाब से वो अपना जिंदगी जीवन यापन करेंगे और रहेंगे। और इनके लिए और रहने के लिए थोड़ा जागा वगैरह ये ज़मीन देना चाहिए, मुझे उम्मीद है, मतलब गवर्नमेंट सुनेगी। और अभी यहीं रह रहे हो सब लोग? यहाँ पे रह रहे हैं अभी, पूरे एक ही कमरा में? एक ही कमरा पे चावल वावल सब दे? मतलब ये अपना पुलिस थाने से उन लोगों को कुछ चावल वगैरह ला के देते हैं, और कभी क्या बातें हैं अपना यहाँ का थाना इंचार्ज जो आके पूछते हैं कितना चावल है कि नहीं, ये सब कुछ पूछ रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके दादा इधर आओ, इनको भी भगाए हैं ना? ये मेरा दामाद जी, ये आपके दामाद हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा बुद्धूराम रूठी सर। बुद्धू दादा, तो आप लोगों को कब भगाए? मेरे को कम से कम सर अभी 2 महीना हो रहा है, अभी कम से कम 2 ही महीने हो रहा है। तो कहाँ थे 2 महीना आप? हाँ, 1 महीना पाखनूर में था सर, 32 नंबर में। अच्छा। एक बिजली मछली बीज जो बेचते हैं वहाँ 32 नंबर में, वहाँ पे हम लोग था तीनों भाई। क्या करते थे? मछली बीज में वहाँ काम करते थे, हमको एक दिन में 300 रोजी दे रहा था। अच्छा, एक दिन में 300 रुपये? हाँ। और खाना पीना? खाना पीना भी वहाँ से वो दे रहा था, बाकी साग सब्जी वही पैसे से हम लोग खरीद के खाते थे सर। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों भगाए? हाँ, हम लोग को सर दोनों है कि हमारा साला लोग यहाँ पहले से सिलेंडर करके एक गढ़चिरौली में था, और एक जन यहाँ पाखनजूर में है, तो उन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा तुम लोग नंबर पकड़ते हैं, उन लोगों को मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं और मुखबिरी भी करते हैं करके हमको पहले दिन मीटिंग में बुला के हम लोगों को सूचना दिए थे नक्सली लोग। तो मैं ही बोला उसका नंबर नहीं पकड़ा है, उसका मोबाइल नहीं पकड़ा है, उसको मिला भी नहीं आज तक। फिर भी उन लोग नक्सली लोग बोला जरूर तुम लोग मुखबिरी काम करते हैं तुम लोग, तुम उसको मिलते हैं, और ये आजीबाजी में भी घटना होता है तुम लोगों का कारण में, ऐसी करके हम लोग उन लोगों धमकी दे दिए हैं सर नक्सली लोग। मारपीट भी की? मारपीट नहीं किए हैं सर, मतलब ऐसे धमकी दिए हैं। सिर्फ धमकी दी? हाँ। तो आप लोग धमकी में छोड़ के आ गए? बाद में नहीं सर, नहीं सर, मैं बात रखे हैं हम लोग जो तुम लोग बोलते हैं ना वैसे मैं कभी नहीं करते हैं, और फोन भी नहीं किया वैसे ही नहीं रहते भी नहीं हम लोग करके ऐसे बोल के देखें सर। बाद में उन लोग तुम ना ऐसे ऐसे बोलते हैं ठीक है, लेकिन बाद में ऐसे आजीबाजी में कुछ हो जाएगा तो तुम लोगों को पकड़ेगा, तुम लोगों को मार डालेगा करके ऐसी बात दी है सर। बाद में तो एक दिन के बाद आज हमारा गांव में पटोला करके नाम है, कल पर और वो 20 में घटना हो गया, 29 नक्सली मर गया, तो हमको ज़्यादा डर लग गया सर। इन लोग तो पहले मेरे को ऐसे बोला तो मेरे को भी मार डालेगा, ऊपर वाले लोगों को भी मार डाला, ऐसे ही मार डालेगा करके हम लोग तीनों भाई विसर करके वहाँ से निकल के छोटे बैठे में भाग गए सर। तो वहाँ अभी घर में कौन है?
अभी घर में कोई नहीं है, पूरा हम छोटा भाई बीबी सब लेके आए हैं सर। वहाँ जमीन में खेती होती है? खेती है सर, एक तरफ एक जान नाम का नवे कड़े, एक जान का दो जान का भाई लोग टोला का बीस में है, 15 कड़े। पट्टा है? नहीं पट्टा नहीं सर, पट्टा नहीं। तो सुअर उवर मुर्गी? सुअर है सर, मुर्गी है, बैला है, कवेला है, तीना है, सब छोड़ के आए सर। घर में ताला लगाए? ताला लगाए हैं सर। तो कोई लूट पाट तो नहीं करेगा? तो करेगा सर, हम तो यहाँ निकला है, मतलब गया भी नहीं हो। तो चावल वावल लेके नहीं आए यहाँ? नहीं लाने नहीं दिए सर। कौन नहीं लाने दिए? ओ नक्सली लोग। अच्छा, उनको पता है तुम जा रहे हो बोल के? हमको पता नहीं है, बाद में मेरा बीबी लोग बच्चे लोगों को पता था, कुछ सामान उमान लेके मत जाओ करके इन लोगों को भी थोड़ा बात किए हैं गाँव वाले के साथ। तो गाँव में एक जन कमटी सरकार जनता सरकार कमटी है, राजू करके उसका नाम, वो इन लोगों को मीटिंग करके भेज दिया है। क्या काम है आपका? बीनागुंडा आजीबाजी में है, जारावर। जारावर? हाँ। हाँ, बीनागुंडा तो मैं गया हूँ। हाँ सर, वही आजीबाजी में है मेरा टोला, उसमें मात्रा तीन ही घर था। अच्छा। हम लोग बाग का है, तो अभी वहाँ दो घर है, और मेरा सासा का लड़का का घर है, और बड़ा पिताजी का राम का घर है एक तो। अच्छा ठीक है, तो ये पूरा परिवार है। और आ जाओ सुकन, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बताओ क्या बोलना चाह रहे सर। जो अपना जो घर का थोड़ा ये चांदी था, थोड़ा सोना भी था, वो भी लेके गए सर। कौन लेके? ये संगठन वाले। अच्छा। हाँ, और वो पे शिकार कर। संगठन तो ऐसा नहीं करता है ना, लूटपाट करता है क्या? अभी क्या बोलें, पहले तो नहीं, अभी तो लेके गए तो अभी लूटपाट भी करते हैं, मेरे मन में तो वही है। अभी जो शिकार करने के लिए कितने 4 या 5 बरमार थे, उसको भी लेके गए, बरमार को भी, और इसका जो जगदीश पदक है उसका आधार कार्ड को भी लेके गए, वो भी नहीं दिए। मोबाइल तो कैसे भी लेके जाने से भी हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड को भी लेके गए। और बाकी जो सामान लगभग जो गांव के कम से कम 3 परिवार वालों का लगभग प्रॉपर्टी कम से कम 5 करोड़ तक ऐसे चले गए सर। ऐसा तो। अच्छा 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। मतलब कम होगा ये? 5 करोड़ बहुत होता है ये है? 5 लाख होगा। मतलब ये जमीन कम से कम 500-600 एकड़ जमीन है। 500-600 एकड़ जमीन ये, मतलब घर दो घर है, जमीन बहुत है। चले जाएगा। हाँ तो 500-600 एकड़ पट्टा है उसका? अभी सरकार के हिसाब से पट्टा नहीं, लेकिन उनका जो इलाका है सर उस हिसाब से वो गिनते हैं वहाँ पे। तो तुमने पूरा घेर लियो 500-600 एकड़? हाँ। तो तुम्हारा खेती बाड़ी करते थे? बाप रे। और वो बहुत मतलब कोसरी धान ये भी बहुत है, कम से कम 8 ट्रिप जैसे गाड़ी में भर। हाँ ये भी तो सब छोड़ के आए हैं ये सभी सबसे। और कम से कम चांदी भी बहुत था और सोना भी बहुत था, वो पहले का पैसा थाम्बे पैसा था वो भी लेके गए सब। सब पार्टी वाले? हाँ पार्टी। वापस नहीं देंगे? हाँ वो अभी वापस नहीं देंगे वो। ठीक है। ये सुकन है, गढ़चिरौली से आए हुए हैं, और ये उनका पूरा परिवार है, और इतने लोगों को माओवादियों ने निकाल दिया है सिर्फ इस शक में कि इनके लोग परिवार के लोग जो हैं पुलिस के लिए मुखबिरी करते हैं। अब इसमें कुछ सवाल है माओवादी संगठन से भी कि ये जो सुकन है ये 11 साल पार्टी में रहे और ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने क्रांति में अपना सहयोग दिया है। अगर माओवादी बोलते हैं कि वो क्रांति के लिए लड़ रहे हैं, तो उस क्रांति में इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, आगे चल के इन्होंने समर्पण किया, क्यों समर्पण किया इस पर अलग से हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन इन्होंने लंबे समय संगठन को दिया, और इस एक ख़ास बात है कि ये गढ़चिरौली में समर्पण किए और इन्होंने हथियार छोड़कर फिर हथियार नहीं उठाया। कई दफ़े माओवादियों को इस बात से उन्हें दिक्कत होती है कि जो लोग समर्पण कर रहे हैं, समर्पण करने के बाद वो फिर से DRG में चले जाते हैं। तो सुकन चाहते तो फोर्स में जा सकते थे, लेकिन ये हथियार नहीं उठाए, समर्पण करने के बाद हथियार भी नहीं उठाए। और यही वजह है कि सुकन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है माओवादी संगठन के इस क्रियाकलाप से, कि जब इनके पिताजी माओवादी संगठन के लिए ग्रामीण स्तर पर उन्होंने काम किया है, इनकी बहनों ने भी काम किया है, इनके दामाद ने भी काम किया है, सभी लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि जेल भी गए और जेल से वापस आने के बाद अब वो लोग पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद किसी ने पुलिस के लिए मुखबिरी भी नहीं की, और आप बिना जांच किए, बिना जन अदालत लगाए, बिना उसको जांच परख पूछताछ किए सीधा आपने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इतने सारे लोगों को गांव से बेदखल कर दिया। इस फैसले के खिलाफ में है सुकन पद्दा, और इनका ये कहना है कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं
कि जब कोई भी गांव वाला आपका समर्थन नहीं करेगा और आपका वजूद स्वस्फूर्त अपने आप समाप्त हो जाएगा बस्तर से, ये कहना है ना सुकन? बराबर। तो ये और सुकन यही बस्तर टॉकीज के माध्यम से बताने के लिए गढ़चिरौली से नारायणपुर तक आए हैं, और मुझे भी लगा कि इनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जगदलपुर से इनकी बात रखने के लिए नारायणपुर तक आया हूँ। लंबी बातचीत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। अगर आपको लगे कि इस महत्वपूर्ण बातचीत को हर व्यक्ति तक पहुँचाने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। और माओवादी संगठन से मेरा भी ये सवाल है कि सुकन पद्दा के सवालों का आपको जवाब देना होगा कि क्यों आप लोगों ने ऐसा किया जैसा सुकन ने आरोप लगाया है। धन्यवाद।